हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग हैं 10+2 बेसिस पे वो जेपी अप्लाई कर रहे थे, थापर अप्लाई कर रहे थे, या वो 8KTU के कॉलेज लेवल की काउंसलिंग पे जा रहे थे, उनको सीएस नहीं मिल पा रही थी। उनका यार 85 से 95 के बीच में है, उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, एक गवर्नमेंट रिनाउंड कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बात करने वाले हैं IKG PTU कपूरथला के बारे में। इसमें आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 10+2 के बेसिस पे होने वाली है। जेई के बेसिस पे भी काउंसलिंग ये लोग कराते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल उन्होंने 10+2 के बेसिस पे अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पर अवेलेबल है। 18 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन्होंने बहुत ही क्लियरली 10+2 बेसिस पे मेंशन कर रखा है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये वेबसाइट यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जितने भी लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इनके पहले कैंपस देख लो यार कि कैंपस कौन कौन से हैं और क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। कैंपस इनका देखो, एक तो मेन कैंपस है PTU कपूरथला, है ना। तो आप पहले तो उनको इनके जो दो तरह से काउंसलिंग जब आप अप्लाई करें तो मेन चीज़ का ध्यान रखें, जो उनके अच्छे कैंपस है वो उनके मेन कैंपस और ऑफ कैंपस है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे एफिलेटेड कैंपस भी हैं, तो उनके बारे में मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा। तो फिलहाल अभी जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए वो गवर्नमेंट कैंपस के लिए आपको अप्लाई करना है, उसमें गवर्नमेंट सीट्स मिल जाएगी आपको, है ना। तो जब भी आप अप्लाई करें तो अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको मेन कैंपस के लिए अप्लाई करना है, जो PTU का ऑफ कैंपस है उसमें सेंट्रलाइज जो काउंसलिंग है उसके लिए अप्लाई करना है, 10+2 के बेसिस पे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करेंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस होगी 2000 रुपीज़ समथिंग, वो अप्रॉक्स होगी आपके। फिर उसके बाद आपकी एक रैंक, एक मेरिट लिस्ट सॉर्ट करके प्रिपेयर की जाएगी, देन चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपको रिमेनिंग कुछ फीस पे करनी होती है, फिर डॉक्यूमेंट्स में आपको पोर्टल में आपको डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म फीस वगैरह सबमिट करनी होती है, उसकी स्लिप अपलोड होगी, देन आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर वहाँ से जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट से आपको पता चल जाता है कि क्या क्या मिला, लेकिन फाइनल लेटर जब वो फीस रिसीव कर लेते हैं उसके बाद ही पता चल पाता है। तो ये था यार PTU का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इनके कुछ कैंपस हैं वो मैं आपको बता दूँ, एक मेन कैंपस PTU कपूरथला है, दूसरा इनका ऑफ कैंपस है इनके अमृतसर है, मोहाली कैंपस 1 है, मोहाली 2 है, और आई थिंक एक होशियारपुर में भी है। तो ऑलमोस्ट 4 इनके ऑफ कैंपस है, एक मेन कैंपस है। तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और हर जगह कुछ ही ब्रांचेस अवेलेबल हैं, आपको कैंपस की डिटेल्स आपको हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन यार 18 से स्टार्ट होगा राउंड 1 का, फिर 22 तक चलेगा। तो जो लोग रजिस्टर करेंगे उनकी रैंक यहाँ पर प्रिपेयर होगी, जो भी अपडेशन होगा वो इस पर कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा आपको 23 अगस्त को। उसके बाद में आपको 25 से लेकर 28 के बीच में आपको एक चॉइस फिलिंग का डेट अनाउंस होगा, 2 दिन का समय मिलेगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके बाद में आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको अलॉटमेंट जो भी रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करनी होगी। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, काफ़ी कैंपस में मतलब एक अच्छे स्कोरिंग होने की वजह से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। स्कॉलरशिप भी हम आपको कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे, सारी चीज़ दिखा देंगे। सेकंड राउंड के लिए आपको 31 के एंड पे जाना पड़ेगा, है ना। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है PTU कपूरथला के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, आपकी 80 आउट भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एवरेज फैमिली से हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला कॉलेज है। अगर आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो हमारी टीम के साथ हेल्प ले सकते हैं, आपको यहाँ पर एकदम प्रॉपर अलॉटमेंट करा के दी जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।